के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इन पोशाकों को धुल सकते हैं, और धुल सकते हैं तो किस तरीके से धुलें जिससे कि ये खराब भी ना हो। देखिए, गर्मियों में हमें कान्हा जी को इस तरीके की पोशाकें बनानी चाहिए जिसके नीचे कोई बुकरम ना लगा हो, जैसे इसमें लगा हुआ है, और कोई वर्क ना हो। आप डेली बेसिस पर ऐसी पोशाकें खरीद लें और ऐसी पोशाकें अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएं, और इसे आप धुल भी सकते हैं क्योंकि ऐसी पोशाक पहनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे लड्डू गोपाल जी गर्मियों में इसको पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, दूसरी ये धुलने पर ना ही इसका कलर फेड होगा और ना ही इसमें कोई दिक्कत आएगी और ना ही इसमें कोई स्टोन्स हैं जो कि ख़राब हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज़ कि आप इसे रोज़ाना धुल सकते हैं और रोज़ाना अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के बाद एक फ्रेश पोशाक पहना सकते हैं। तो कभी भी आप लोग गर्मियों की पोशाकें लेना चाहते हैं तो आप ऐसी ही पोशाक लें। एक बात का ध्यान रखें, गर्मियों की पोशाकें ऐसी आपको मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन इसके नीचे आप देख लेना कि कोई बुकरम ना लगाओ, क्योंकि अगर ऐसी पोशाक आपने ले ली लेकिन अगर उसके नीचे बुकरम लगाया ना तो आप उसे डेली बेसिस पर नहीं धुल सकते हैं। ऐसी अगर आप पोशाकों को धुल लेंगे जिसके नीचे बुकरम लगाए लेकिन है ऐसी, तो उसके ख़राब होने के भी चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि स्टोन वाली पोशाक के होते हैं। तो आप लोग ऐसी ही पोशाक लें जिसमें ना तो कोई बुकरम हो और ना ही कोई स्टोन वर्क हो, सिंपल सोवर और कॉटन की हो जिसे आप डेली बेस पर अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। अब मैंने ले ली है यहाँ पे विंटर्स की पोशाक जो कि मैं सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी को अभी पहना रही हूँ। तो ऐसी पोशाकें भी ना मैली हो ही जाती हैं और इन्हें हमें धुलना भी होता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको गर्मियों की पोशाक के बारे में बताया है कि आप उन्हें धुल सकते हैं, वैसे ही आप इन पोशाक को भी धुल सकते हैं। वॉश करने का तरीका सेम रहेगा दोनों ही पोशाकों के लिए कि आपको थोड़े से पानी में हल्का सा वॉशिंग पाउडर लेना है, वॉशिंग पाउडर लेने के बाद मिक्स करना है, आप पोशाकों को हल्का सा डिप करके निकाल लें और फिर साफ पानी से एक बार धुल लें तो ये क्लीन हो जाती हैं और फिर आप अपने कान्हा जी को एकदम फ्रेश न्यू पोशाक दोपहर से पहना सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ इस हैवी मिरर वर्क वाली पोशाक के साथ। आप लोग देख सकते हो इसमें मिरर्स लगे हैं, इसमें स्टोन्स लगे हैं। अब इसे क्या हम रोज़ धुल सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं इसे रोज़ धुलूंगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे और इसके नीचे लगा है बुकरम, और अगर मैं इसे वॉश करती हूँ ना तो ये ऐसा बुकरम होता है कि ये साथ साथ ना निकलता भी रहता है बुकरम, और ये पूरी ड्रेस को ख़राब कर देता है। तो इस वाली पोशाक को हम रोज़ नहीं धुलेंगे। तो इन पोशाकों का हम करें क्या? देखिए, ऐसी पोशाक जो थी हम तो इन्हें रोज़ पहनाते हैं, लेकिन ये स्टोन वाली जो पोशाक है इसे हम रोज़ नहीं पहनाते हैं। मैं स्पेशली ऐसी पोशाकों को ओकेजन्स पर पहनाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो मैं क्या करती हूँ, पहनाने के बाद ज़्यादा गंदी तो होती नहीं क्योंकि ऐसी जो पोशाकें होती हैं उन्हें हम 3-4 आवर्स के लिए पहनाते हैं और ये ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं, और आप मानोगे नहीं मैंने जब से इसे लिया है मैंने वॉश करा ही नहीं है, तो मैं इसे पहना कैसे रही हूँ कान्हा जी को? आप लोगों को क्या करना है, ऐसी पोशाकों को वॉश नहीं करना है और डेली बेसिस पर ये पहनाती भी नहीं हूँ मैं क्योंकि कम्फर्टेबल फील भी नहीं होता है इसमें, तो इसमें धुलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल लेना है अपने हाथों में और इस तरीके से हल्का हल्का छिड़क देना है, और इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्टोन वर्क या हैवी वर्क वाली पोशाक दोबारा पहना सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बोला कि आप इन पोशाकों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमने इन पोशाकों को वॉश तो कर दिया है लेकिन जब हम अपने कान्हा जी को इन पोशाकों को पहनाने लग जाएं तो एक बार आप इन पोशाकों पर भी हल्का हल्का गंगा जल छिड़क दें और फिर इन पोशाकों को अपने कान्हा जी को आप पहनाएं तो वो और सही रहेगा। इस तरीके से आपके कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और आप अपने कान्हा जी को इन पोशाकों को दोबारा पहना